जो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के डीसी के पास आए थे एक ज्ञापन सौंपने के लिए, और उसके मार्फत प्रधानमंत्री मोदी जी को ये चिट्ठी हम लोग भेज रहे हैं। यहाँ पर पूरे हरियाणा में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद जितने ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो पंजाब से लगे हुए, ख़ास तौर से यहाँ पर नशे का जो प्रकोप है इतना बढ़ चुका है जिससे कि नौजवान, बच्चे, तमाम लोग जो है, महिलाएं भी उस नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसका जो सबसे बुरा उदाहरण है, ये जो छोटी सी बच्ची हमारे साथ आई है यहाँ पे ज्ञापन सौंपने के लिए, इनके पिताजी, ये बच्ची पैदा होने के समय जो है इनके पिताजी जो है नहीं रहे इस दुनिया में, तो ऐसे तमाम परिवार है जो उजड़ चुके हैं। और ये सरकार जो है पूरी तरीके से संवेदनहीन हो चुकी है। हम लोग चाहते हैं कि 4 जुलाई तक हरियाणा में पूरी तरीके से शराबबंदी और नशाबंदी की घोषणा हो। अगर ये सरकार नहीं करती 4 जुलाई तक, तो 5 तारीख से हम लोग 5 जुलाई से यहाँ पर एक कामरेड अनशन सत्याग्रह होगा। ये गांव-गांव का आंदोलन है, महिलाओं का, मातृशक्ति का, बहनों का, और तमाम नौजवानों की तरफ से ये बात है कि सरकार जो है इसको पूरी तरीके से संवेदनशील तरीके से संज्ञान में ले और इसे एकदम से जड़ से समाप्त करे, कानूनी रूप से समाप्त करे। जैसे बिहार में, गुजरात में, नागालैंड और मिजोरम में, तमाम जगहों पे ये हुआ है, कानूनी रूप से इसे अमली जामा पहनाया गया, उसी तरीके से यहाँ पर हो हरियाणा में। कम से कम जितने भारतीय जनता पार्टी की शासित राज्य हैं वहाँ पर सरकार घोषित करे। ये राम राज्य की बात कर रहे हैं हम लोग, राम राज्य की बात कर रहे हैं, पूरा देश कह रहा है कि नहीं मोदी जी जो है सब कुछ अच्छा करेंगे। तो जैसे नोटबंदी हुई उसी नोटबंदी की तर्ज पे पूरे देश में नशाबंदी की घोषणा करें मोदी जी, है ना। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है और ये बहुत ही नेक काम है, इसमें हर परिवार की खुशियां शामिल है। ये खुशहाली की तरफ से ये ज्ञापन है। तो आज आप किससे मिलने आए हो? आज हम लोगों ने डीसी साहब से मिले, हम लोगों ने निवेदन किया, हम लोगों ने जो बातचीत की वो एक गुस्सा है समाज का और गाँव का कि ये जो है रोज घटनाएँ हो रही, दुर्घटनाएँ हो रही और ये प्रशासन जो है बिल्कुल सुन नहीं रहा है। क्या आश्वासन दिया डीसी साहब ने? डीसी साहब ने अपने लेवल पे कहा कि देखिए हम अपनी बात जो है वहाँ पहुँचाएंगे, लेकिन जो स्थिति हमें दिख रही है अभी प्रशासन जो है उतना सजग नहीं है और मजबूती से जो है इस पे रोकथाम नहीं लगा रहा है। मजबूती से रोकथाम तभी लगेगी जब कानूनी प्रक्रिया पूरी तरीके से सदन पटल पे इस पे बातचीत हो, पूरा विधानसभा, पूरा संसद इस पे बातचीत करे और ये जो है इन तमाम छोटे बच्चों का जो भविष्य है, नौजवानों का जो भविष्य है, उसे सुरक्षित किया जाए। नशे को लेकर मिलने आए आप? हाँ, नशाबंदी को लेकर आए हैं। नशाबंदी, शराबबंदी, जितने तरह के नशे हैं, ड्रग्स, तमाम तरह की बातें हैं जिसको लेकर के हमने इनको ज्ञापन दिया है। समस्याएं हैं ये हमारे जो है हर परिवार जो जल रहा है, उजड़ रहा है, उसकी तरफ से ये बात रखनी है। आगे क्या रहेगी? हम लोग 5 जुलाई से आमरण अनशन करेंगे। अगर ये हमारी बात नहीं सुनता प्रशासन, सरकार जो है नहीं सुनती है, तो 5 जुलाई से यहीं फतेहाबाद में अनशन आंदोलन सत्याग्रह शुरू होगा। और ये सिर्फ फतेहाबाद में नहीं होगा, पूरे प्रदेश में होगा और पूरे देश में इसकी आग जाएगी। क्या नाम है जी, कहाँ से आप? मेरा नाम प्रवीण सिंह काशी है, मैं यहीं हूँ, भारत देश का नागरिक हूँ, इस देश का जो है सजग नागरिक हूँ जो चाहता है कि इस देश में जो है हर बच्चा मुस्कुराए, हर माँ जो है गर्व से कहे कि उसका बच्चा जो है बहुत ही बेहतरीन नौजवान है, इस देश का बेहतरीन जागरूक नागरिक है, फख्र करे। कौन से गांव का मामला है? कौन से गांव का मामला है ये? मामला किसी गांव का नहीं है, ये मामला पूरे देश का है, पूरे प्रदेश का है, ये गाँव का नहीं है मामला। ये गाँव जो है, जागरूक गाँव जो है, मजबूती से बात रखने आया है कि अब बस, अब इससे ज़्यादा हम नहीं सहने वाले और हम इसके लिए झगड़ा नहीं करने आए, ये गुस्सा है और हम लोग इसे गांधीयन तरीके से करेंगे, और करेंगे नहीं, हम हक लेंगे, ये कानूनी रूप से हम इसे बनवाएंगे। ये बात जो यहाँ रुकने वाली नहीं है, यहाँ ये कोई, यहाँ ये कागज का टुकड़ा नहीं है जो हमने पकड़ा दिया और साइन करके लेके चले गए। ये लड़ाई लंबी होगी और लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक इसको पूरा नहीं हो जाता, ठीक है? क्योंकि सभी नागरिक ये निवेदन कर रहे हैं कि नशा पूर्णतया रोकथाम मैं बचवा जी, और बताइए को भटकाइए, आप जो है मुझे को मत भटकाइए, देखिए हम आपके, आपको बिल्कुल हम सम्मान दे रहे हैं सर, आप बिल्कुल भटकाए, आप बात सुनिए, आप बात प्रॉब्लम बताओ, आप प्रॉब्लम ही बताना है, इसे लेके क्यों आना पड़ा आपको? मालूम है आपका प्रशासन वहाँ पे बिल्कुल रोकथाम नहीं लगा, बिल्कुल क्या आप FIR लिखेंगे? सुनिए, जो हुआ ये घटना, आपने क्या कोई कार्रवाई की? कार्रवाई की कहाँ है? इस बच्चे के, इसके बच्चे का पिता जो कहाँ है, आप ढूंढ के लाएंगे? आप सुनिए, आप बच्ची का कौन कार्रवाई करेगा? अगर बच्ची को कल हो गया तो फिर मैं आपको खिलाफ, बिल्कुल आप बिल्कुल मेरे खिलाफ करें, आप इसको लीजिए, आप जो ड्रामा कर रहे हो ना ये ना करो, आपको जो अपनी बात कहनी है वो करो, आप बच्ची को लेके घुमा रहे हो, ड्रामा कर रहे हैं ये, ठीक है? आप साइन करके हमें सर रिसीविंग दीजिए, रिसीविंग हमारा ऑफिस मिल जाएगी, आपका ये ड्रामा ना करो बच्ची का।
बच्ची को कल तो सुनो, आपको आपको सुनो मेरी बात, हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप क्यों नहीं रहा? नहीं आप गलत बात कर रहे हैं, आप नहीं रहा, आपसे नशाबंदी हो नहीं रही है सर, रोजगारों में भी आपको जितना हम बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे, हम कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं, आप ड्रॉप कर रहे हैं, हम बच्ची को लेंगे ये सारे जब देंगे, आप बच्ची को इसलिए मैं आपको जानता हूँ, हम आपको जानते हैं, आपको बच्ची को गोद में लेके यहाँ लेके आ गए, बच्ची को मैं बच्ची का दुर्घटना नहीं होती, आप क्या कर रहे हैं सर? हम भी बच्चों के लिए आ जाओ, 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 आ